कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते। बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। चल के गैर के कदमों से तुम कहीं के ना रहे, अपने कदमों से जो चलते तो चलते रहते। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। ये उर्दू की शायरी जो आपने अभी सुनी वो किसी आम दुखियारे की नहीं बल्कि एक होनहार क्रिकेट खिलाड़ी की कहानी है। ये उस क्रिकेट खिलाड़ी की कहानी है जो भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, छक्के चौके जड़ता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ सिर्फ निराशा ही आती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट के जाबाज खिलाड़ी सरफराज खान की। एक शानदार खिलाड़ी जिसकी बीसीसीआई ने उड़ा दी नींद। हर बार दिखाता है बल्ले का जादू, फिर भी होता है फेल। 3 साल में लगाए 10 शतक, 5 अर्धशतक, 2 डबल सेंचुरी और 1 ट्रिपल सेंचुरी। बीसीसीआई के खिलाफ जाकर जिसके समर्थन में वेंकटेश प्रसाद। 25 साल के क्रिकेटर सरफराज खान की हालत यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की तरह हो गई है, जो दिन रात परीक्षा पास करने की तैयारी कर रहा है लेकिन मेंस एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है। सरफराज खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब रन बनाए हैं, लेकिन एक बार फिर उनका चयन टीम इंडिया में नहीं हुआ। लेकिन सरफराज खान है कि किसी भी कीमत में हार मानने को तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट टीम में नहीं चुने जाने वाले सरफराज खान ने बीसीसीआई के चयनकर्ताओं को फिर से आईना दिखाया है। मुंबई के सरफराज खान ने 17 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ फिर से शतक लगाया। शतक लगाने के बाद उनका अग्रेशन देखने लायक था। शायद वो चयनकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते थे कि भले ही आप मुझे नहीं चुने, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं होऊंगा और हर बार शतक लगाने की कोशिश करूंगा। सरफराज खान ने साल 2019 से रणजी ट्रॉफी में 10 शतक, 5 अर्धशतक, 2 डबल सेंचुरी, 1 ट्रिपल सेंचुरी जड़ी है। इस शानदार प्रदर्शन के कारण उनके दोस्त उन्हें इंडिया का ब्रेडमैन बुलाते हैं। इस शानदार प्रदर्शन के बाद भी अगर टीम इंडिया में चयन ना हो तो क्रिकेटर पर क्या गुजर रही होगी वो समझा जा सकता है। सरफराज खान ने हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा था कि वो टीम इंडिया के ऐलान के बाद के अगले दिन सो नहीं पाए थे। सरफराज ने कहा था कि सब कहते हैं कि तेरा टाइम आएगा, लेकिन मैं सारी रात खुद से पूछता रहा कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, लेकिन मैं अभ्यास कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश करता रहूंगा। सरफराज के चयन न हो पाने का एक कारण उनका भारी वजन भी माना जा रहा है। अपनी फिटनेस को लेकर सरफराज खान का कहना है कि मैं विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान अस्पताल में भर्ती था, लेकिन वापस आया और 2 मैचों में शतक बनाए। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में मैंने मुंबई के लिए विकेट कीपिंग भी की। मुझे लगता है कि मैं सीमित ओवरों के मैचों में भी भारत के लिए खेल सकता हूं, चाहे कोई कुछ भी कहे। सरफराज खान का चयन नहीं करने पर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का भी गुस्सा फूटा है। वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट किया, लगातार 3 घरेलू सत्र में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टेस्ट टीम में नहीं चुनना सरफराज खान के साथ ही नाइंसाफी नहीं है, बल्कि ये घरेलू क्रिकेट की भी तौहीन है, मानो ये प्लेटफॉर्म मायने ही नहीं रखता। भारत के पूर्व गेंदबाज कोच ने ये भी कहा कि भारतीय टीम में कई क्रिकेटर हैं जिनका वजन सरफराज खान से भी ज्यादा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरफराज खान की मेहनत रंग कब लाएगी और कब वो भारत के लिए खेलेंगे। हम आप तक ऐसी ही खबरें लाते रहेंगे, बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।